इस वीडियो में हम स्लश कास्टिंग और कंटीन्यूअस कास्टिंग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो जो स्लश कास्टिंग होती है इसमें हम थिन होलो ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं, जैसे कि जो लैंप के शेड्स होते हैं, टेबल लैंप जो होते हैं जिनके ऊपर कवर लगाया जाता है, उन शेड्स को हम बनाते हैं। टॉयज, होलो टॉयज, उनको बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं स्लश कास्टिंग। इसमें क्या होता है, जिस शेप का हमें ऑब्जेक्ट बनाना रहता है, जैसे हमें कोई फ्लावर पॉट बनाना है जो कि इस टाइप के शेप का रहेगा, तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग डाइस लेंगे और उसके अंदर जो है ये मेटलिक डाय रहेंगे, इसके अंदर हम लिक्विड मेटल को पोर कर देंगे और लिक्विड मेटल को पूरा इसको फिल कर देंगे लिक्विड मेटल से। उसके बाद इसकी जितनी थिकनेस देना है हमें, जो कास्टिंग बनाना है, जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसकी जितनी थिकनेस देना है उसको समय के आधार पर हम समय के बेसिस पर उतनी देर तक रखे रहने देंगे और उसके बाद इस पोर्ट को उल्टा करते हैं, जो लिक्विड मेटल एक्सिस में बचता है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो उसके कारण क्या रहता है, ये जो जितना मेटल सोलिडिफाइड होता है उतना हमें बचा हुआ मिल जाता है, तो वो जो कास्टिंग रहती है हमें वो मिल जाती है, जिस शेप का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है वो यहाँ पर मिल जाता है। और जो अनसोलिडिफाइड मटेरियल रहता है वह इससे बाहर निकल जाता है। तो यह बहुत सिंपल सी एक कास्टिंग टेक्निक है। इसके एप्लीकेशन जैसा मैंने आपको बताया, थिन होलो ऑब्जेक्ट्स और टॉयज, उसके बाद जो स्टेचूज रहते हैं होलो स्टेचूज, और लैंप शेड, ये इसके कुछ जो है स्लश कास्टिंग के कुछ ये एप्लीकेशन हैं। अब हम देखते हैं कंटीन्यूअस कास्टिंग के बारे में कि कंटीन्यूअस कास्टिंग क्या होती है। कंटीन्यूअस कास्टिंग कंटीन्यूअस कास्टिंग में हम क्या करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें, इसमें मेनली जो ब्लूम्स होते हैं, ब्लेड्स होती हैं और स्लेब्स होते हैं, यह इसमें हम बनाते हैं। तो इसमें हमें जब इनका मास प्रोडक्शन कराना रहता है तब हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक पोर्ट में हम, या एक टब कहें जिसमें हम इसे रखते हैं, इस टाइप का एक पोर्ट या टब रहता है जिसमें हम इसे रखते हैं, इसे टंडिश कहते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है टंडिश, इसे हम टंडिश कहते हैं। इसमें लिक्विड मेटल भरा हुआ होता है, यह पूरा लिक्विड मेटल से भरा हुआ होता है और यहां पर नीचे इसमें ओपनिंग रहती है और ये जो ओपनिंग रहती है इसी के बाजू में जो है डाई रहती है, जिस ऑब्जेक्ट मतलब जो भी शेप का हम शेप चाहिए, हमें स्लेट चाहिए या ब्लेड चाहिए, तो उस शेप की हमें डाई लेना पड़ेगा, पूरी के आसपास रहेगी वो, यदि सर्कुलर है तो सर्कुलर होल रहेगा उसके अंदर, अगर स्क्वायर में बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है तो वह डाई का शेप रहेगा। तो यहां से क्या होता है, और इस टाइप से ये एक चैनल रहता है, यहां से जो लिक्विड मेटल आ रहा होता है, यहां पर नीचे लिक्विड मेटल आता है,
यह नीचे आते आते सॉलिड हो जाता है, क्योंकि इसमें हम वाटर की वाटर का स्प्रे कराते हैं और यहाँ पर कुछ रोलर लगे हुए होते हैं, रोलर जो कि इसे तब ये यहाँ नीचे आता है तो इसे इसका नीचे ढकेलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये सॉलिड रहता है यहाँ से फिर जैसे ही निकलता है बाहर वाटर का स्प्रे होता रहता है, इसलिए यह कूल हो जाता है। जल्दी कूल करने के लिए हम इसमें वाटर का स्प्रे कराते हैं और फिर इन्हें हम बाहर नीचे ले बाहर ले जाते हैं और दूर ले जा करके जितनी भी साइज के हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए रहते हैं उन्हें हम काटते जाते हैं। तो यह जो है इसमें हम स्लेब ब्लेड्स या ब्लूम्स जो है उनको मास प्रोडक्शन में यहाँ पर हम गेन कर सकते हैं और इसीलिए हम इसे कंटिन्यूस कास्टिंग कहते हैं। इसके एप्लीकेशन यही है, मास प्रोडक्शन में अगर आपको ब्लेड्स ब्लूम्स और स्लेब्स चाहिए तो इसे हम कंटिन्यूस कास्टिंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।